हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम कुलसिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भांड्रेज मोड़ दौसा। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट इस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट बीटेक सिक्स सेमेस्टर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट लेवल। अपन जो डिस्कस कर रहे थे रेट एनालिसिस का, इसका रेट एनालिसिस का कि आपको इस्टीमेट सब्जेक्ट के अंदर रेट एनालिसिस करना होता है कि पर्टिकुलर आइटम्स आपको दे दिया जाता है कि पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको क्या एक रेट की एनालिसिस करनी होती है कि ये इतना खर्चा इस पर आएगा। सपोज दैट अगर मैं पहले बात कर रहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की काफ़ी आपने एग्जांपल की, और आज अपन डिस्कस करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन की। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सारे वर्क्स आते हैं, फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको रोड कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना है और बिटुमन का रोड बनाना है, तो वहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपको क्या सिर्फ एक नॉर्मल पर्टिकुलर आइटम्स दिया है जिसकी आपको रेट की एनालिसिस करनी, जैसे एग्जाम क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि बिटुमन पेंटिंग और सरफेस ड्रेसिंग फर्स्ट कोड। आपको ये कहना है कि जब आपको रोड बनानी है, क्या बनानी है, रोड बनानी है, और रोड की जो सरफेस है उस पर आपको बिटुमन की लेयर बिछानी है, ड्रेसिंग करनी है, और उस पर पेंटिंग करनी है आपको बिटुमन की, तो उसके लिए आपको कितना खर्चा आएगा। तो आपने क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर पेंट लेकर, एक स्क्वायर मीटर लेकर उसकी रेट बतानी है, तो जितनी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसको आप उनको ज़्यादा लेके चलेंगे तो आपको जो क्या है कि क्वांटिटी जो ज़्यादा होगी, तो मटेरियल की क्वांटिटी और लेबर की क्वांटिटी वो ज़्यादा आ जाएगी, तो वो अच्छी तरीके से अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो आप उनको क्वांटिटी वो ज़्यादा लेनी होती है। तो मैं आज ये एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि यूनिट वन स्क्वायर मीटर क्योंकि आपको ड्रेसिंग करनी है और पेंटिंग करनी है। ड्रेसिंग और पेंटिंग के लिए क्या है, आपको स्क्वायर मीटर लेते हैं क्योंकि आपको जो डेप्थ है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, एक तरीके से डेप्थ कम होती है इनके लिए, ड्रेसिंग के लिए और इनके लिए स्पेसिफाई होती है। तो अपन क्या है वो उसको नहीं मानते, तो क्या आएगा आपके पास स्क्वायर मीटर में आएगा। तो वन स्क्वायर मीटर का ही आपको रेट एनालिसिस करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, टेक इतना 100 स्क्वायर मीटर आपको ये कहेंगे 100 स्क्वायर मीटर लेके आपको क्या करना है, रेट की एनालिसिस करनी है। फर्स्ट अपन क्या है कि टेबल बनाएंगे, क्या टेबल, पर्टिकुलर्स आइटम आपको दिया हुआ, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट क्वांटिटी और नंबर एंड ऑफ, फिर रेट, फिर कॉस्ट। अरे आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, पहले पर्टिकुलर्स में क्या है आपको एक आइटम्स वाइज आ जाता है पर्टिकुलर्स के अंदर कि आप किसकी क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बिटुमन के अंदर कौन कौन से मेटल इसके अंदर लगेंगे, कौन कौन से मेटल लगेंगे। आपको पता है कि जब बिटुमन का आप काम करेंगे इसके अंदर मटेरियल, आपने रोड बनते हुए देखा हो, ठीक है, अगर आपने रोड बनाई है देखी है, तो आपको नॉर्मल सी भाषा में यदि आप ये कहें कि बारीक वाली जीरो गिट्टी अपन ये कहेंगे, एग्रीगेट्स जो होते हैं, स्टोन की चिप जो होती है, स्टोन की चिप होती है बारीक वाली, वो भी आपको क्या है बिटुमन के साथ में लेनी होती है और उसके ऊपर लेइंग करनी होती है, ड्रेसिंग करनी होती है एक तरीके से, क्योंकि अगर बिटुमन का आप करेंगे तो वो उसमें क्या है वर्निंग नहीं होती है। अब क्या है स्टोन की चिप यूज करनी होती है थोड़ी बारीक वाली, ठीक है, बारीक वाली चिप, जिसे अगर आप ये कहेंगे ऊपर वाली लेयर के ऊपर, ठीक है, तो वो यूज में अपन करेंगे। आप क्या करें, फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट मटेरियल्स के लिए स्टोन चिप्स जो होती है, स्टोन चिप्स, ठीक है, साइज में यदि मैं आपसे कहूँगा कि 3x4 इंचेस में गेज के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, या 40 mm गेज की अपन यूज कर लेंगे, छोटी साइज वाले, जैसे अपन स्टोन चिप कहेंगे, आप स्टोन चिप यूज करेंगे, इसकी जो क्वांटिटी अपन यूज करते हैं इसके लिए 100 स्क्वायर मीटर के लिए, इतने किसके लिए 100 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 1.35 क्विंटल पर मीटर करेंगे, या सॉरी स्क्वायर मीटर में नहीं, क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में आएगी ना, स्क्वायर मीटर के लिए
1.8 किसके लिए करेंगे? एक स्क्वायर के लिए आपको कितने चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है 1 क्यूबिक मीटर होगी, स्क्वायर बढ़ा दीजिए, इसके स्क्वायर के लिए निकालो। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है? 450 रुपये, 450। इसकी रेट होती है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1.35 मल्टीप्लाई बाय 40, यह आएगी आपके पास 607.5। आप ये कहेंगे कि आपको जो स्पंजेस यूज करनी है वो इसके लिए कितनी करनी है? 1.35 क्यूबिक मीटर करनी है, और आपकी जो रेट होती है पर क्यूबिक मीटर होती है 450। ये रेट जो है वो क्या है, लखनऊ करंट रेट 2001-2002 के अकॉर्डिंग, करंट रेट 2001-2002 के अकॉर्डिंग आपको ये रेट लिखाई जा रही है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि रेट से सस्ती है क्या, ज़्यादा है क्या, रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मटेरियल कौन कौन से यूज में आएंगे और लेबर किस टाइप की इसके अंदर लगेगी, बाकी आपको कॉस्ट से इफेक्ट नहीं आता, वो आपको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आप प्राप्त कर लेंगे जिस रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वेरी करेंगे, चेंज होगी हर जगह पर, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। जैसे अगर आप आज ये रेट की अलग होगी, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद अलग होगी, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगी, ये डिपेंड करेगा कि चेंज होती है। आपको मैथ में पता होना चाहिए। सेकंड में मेटेरियल की बात करूँगा, सेकंड में मेटेरियल यूज में दिया जाएगा वो क्या यूज करेंगे? एस्फाल्ट यूज करेंगे, जिसे आप बिटुमन कहेंगे। क्या करेंगे? एस्फाल्ट, एस्फाल्ट जो अपन यूज में कर रहे हैं, बिटुमन, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, यदि आप ये कह रहे हैं कि ये बिटुमन की, यदि आपको ये पता हो इस तरीके से स्पेल लिखते हैं, ठीक है, 18/100 एट द रेट इस क्वालिटी की अपन यूज में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप 100 के लिए 0. इसकी जो क्वांटिटी है वो 0.22 टन ली जाती है। ये क्या है? बिटुमन है। बिटुमन एक तरीके से आप इसमें यूज करेंगे, टन में यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, टन के अंदर यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे, टन्स के अंदर यूज करेंगे। और आपको पता होना चाहिए इसकी जो रेट होती है 0.22 टन्स यूज करेंगे तो किसके लिए? 100 स्क्वायर मीटर के लिए। तो अगर आप ये कह दें कि इसकी जो रेट होती है वो 25,000 per ton होती है, 25,000 per ton यूज करेंगे, और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 25,000 × 0.22 5,500। इसकी क्या मेटल कॉस्ट होगी? तो अपन दो ही मेटेरियल्स यूज में करेंगे, अपन ये कह सकते हैं टोटल मेटेरियल कॉस्ट है कितनी होगी? टोटल मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल्स कॉस्ट दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये क्या है? आपके मेटेरियल कॉस्ट है। क्या है? मेटेरियल कॉस्ट। आप ये कह सकते हैं ये मेटेरियल की कॉस्ट है 6,107.5। इसके अंदर मेटेरियल लगेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेटेरियल कितने हैं? दो ही हैं, एस्फाल्ट जिसे आप बिटुमन कह रहे हैं, बिटुमन और स्टोन चिप्स बारीक वाले होते हैं उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज में आपसे कहूँगा क्या? लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर किस टाइप की लगेगी, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर, बाकी का कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। यदि आपने देखा हो
रोड पर बिटुमन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहाँ पर कुछ लोग तो मजदूर जो होते हैं बिटुमन को गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करके उसे बॉयल करके उसे क्या करते हैं पतला बना देते हैं, लिक्विड बनाते हैं, ठीक है, कुछ उस पर फैलाते हैं, ठीक है, कुछ उससे ब्रशिंग वगैरह क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, या फिर यदि आप कहीं रोलिंग करते हैं तो इस टाइप में क्या है लेबर है, क्या है लेबर है। यदि मैं बात करूँगा बी पार्ट्स लेबर, लेबर के अंदर यदि मैं किसकी बात करूँ अब मिस्त्री वगैरह का इसके अंदर कोई काम नहीं होता, इसका काम होगा सिर्फ मजदूरों का काम होता है, मजदूर, और मजदूर भी कौन से वाले जो आपका ब्रशिंग कर रहे हैं या फिर क्लीनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ब्रशिंग कर रहे हैं और क्लीनिंग, ब्रशिंग कर रहे हैं या क्लीनिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग या क्लीनिंग, क्या करें ब्रशिंग करें ब्रशिंग या क्लीनिंग, क्या रोड, रोड में क्या करेंगे ब्रशिंग करेंगे क्लीनिंग करेंगे, इसके लिए कितने क्वांटिटी में चाहिए तो नंबर नॉक्स की क्वांटिटी में लिखें और नॉक्स इसकी जो रेट होती है वो कितनी होगी 18 रुपये, कितने 80, मजदूर कितने की रहती है 80 पर डे, ये कितने हो जाएगा 80 × 4 320। नेक्स्ट आपको क्या है दूसरी कैटेगरी का मजदूर चाहिए जो क्या करेगा इसको या तो गर्म करेगा या फैलाएगा, हीटिंग मजदूर फॉर हीटिंग या स्प्रेडिंग या स्प्रेइंग फॉर हीटिंग, फॉर हीटिंग यानी कि इसको क्या करेगा गर्म करेगा, क्या करेगा गर्म करेगा, गर्म करने के लिए और स्प्रेडिंग करने के लिए, स्प्रेड स्प्रिंग करने के लिए यानी कि इसको फैलाने के लिए, ये भी कितना चाहिए 4 नॉट्स, इसकी भी रेट 80 पर डे कितना हो जाएगा 320। और मजदूर चाहिएगा इस काम के लिए, चाहिए मजदूर, मजदूर रोलिंग के लिए, मजदूर थर्ड यदि बात करूँ मजदूर फॉर रोलिंग, इसके लिए रोलिंग के लिए, रोलिंग के लिए चाहिए फॉर रोलिंग, फॉर रोलिंग लगभग एक या हाफ ले लीजिए आप हाफ नॉट, इसकी रेट वही 80 पर डे कितनी हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी 40 तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ये लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूँगा कि यदि लमसम कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है वो भी कुछ आ जाता है, सपोज दैट इसके लिए टूल्स एंड प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके लिए जो खर्चा आएगा, इसमें क्या ज़्यादा चाहिए हीटिंग करने के लिए कोयला वगैरह चाहिए, ठीक है, प्लांट्स चाहिए टूल्स चाहिए, इसका जो खर्चा वो ज़्यादा आता है इसका TNB का और अदर्स खर्चे, यदि एक साथ लेंगे लमसम हॉट बेयरिंग के लिए भी आपने जो खर्चा है वो भी मेटेरियल्स आपके अंदर उसके अंदर यूज में आएगा, ठीक है, और भी टाइप्स की लेवर आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हियर ऑफ टार ऑयल के लिए टार को बॉयल करेंगे उसके लिए टूल्स एंड प्लांट्स एंड ब्रश TNP और क्या ब्रश भी इसके अंदर यूज करते हैं उसके लिए लमसम जो कॉस्ट है वो 200 रुपये मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं 200 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है टोटल आ गया, टोटल मटेरियल मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट
कॉस्ट सबको क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको जो वैल्यू आएगी वो माना कि वो एक्स वैल्यू आ गई, माना कि वो एक्स वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है कि इसके अंदर वाटर का यूज नहीं होगा, ठीक है, तो आप ऐड कर देते ऐड 1.5% क्या वाटर चार्ज, उसको आपको यूज नहीं करना है, उसको यूज नहीं करना है, कहीं आप वाटर चार्ज को यूज कर दें क्योंकि आपको वाटर इसमें यूज नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन 10% क्या ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्रॉफिट है वो 10% यूज करना है, किसका, जो आपके जो मेटेरियल और लेबर जो कॉस्ट है उसका 10% निकालेंगे, 10 into 10 by 100, तो आप क्या है 10% ऐड करके आपने निकाला, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, इन सब दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा ग्रांट टोटल, क्या जाएगा ग्रांट टोटल, और ये ग्रांट टोटल जो आपकी वैल्यू आई, माना कि क्यू वैल्यू आई, और आपकी क्यू वैल्यू कितने की है 100 square meter की है, कितने की 100 square meter की है, आप कितने की चाहिए 1 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास रेट पर स्क्वायर मीटर की आएगी, रेट पर स्क्वायर मीटर की आएगी, कब, जब आप 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से आप इसको रेट को एनालिसिस कर सकते हैं, कोई टाइप का मटेरियल लेकर उसमें आपको देखना है मेटल किस टाइप का लगेगा और लेबर किस टाइप की लगेगी, वो सिर्फ रेट आप अकॉर्डिंग टू डालने हैं, जैसे 2010-12 के अकॉर्डिंग डालो, करंट रेट जयपुर के आप लखनऊ जहाँ पर आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये रेट एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन था, लगभग काफ़ी एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।